ये लोग आ नहीं रहे, गवर्नमेंट वगैरह के जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही है, कैंप वैम्प लगे हैं, बड़े बड़े सारे अपना पेट भर रहे जैसे बारिश पर। ये कोई बंदा हमारे पास नहीं आया है। अच्छा, तो डूबे हुए क्या है क्या नहीं है सर, के लॉट का क्या हिसाब चल रहा है? अगर कोई भाई लॉट ले लेता है तो यार, लेते तो हो नहीं, बोलो हमको परेशान करते हो। कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। दो तीन साल हो गए, कोई विभागे ने फोन नहीं आया, अभी आएगा। कब आएगा? गारंटी से आज का वीडियो जाएगी, क्लिप आएगा, ओ क्लिप जाएगा, कॉल आएगी। चलो देख लेते हैं, पक्का इंशाल्लाह। क्यों नहीं है, वो गलत है जिनकी वजह से तुम परेशान हो, तो बाद में हमें भी गालियां पड़ती है। हाँ भाई, यूट्यूबर लौंडो देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत सहने को मिल जाती है। भैंस के यहाँ तुम लोग आते हो और बच्चोदियाँ करते हो इनसे, बच्चोदियाँ करके चले जाते हो, फिर इनकी जो है ना हड़ी आती है या हमारी भी उतार देते हो तुम्हारे चक्कर में। तो ये क्या हो रहा है, ये कटाई हो रही है इनकी? बाल खूबसूरती के लिए भैया, जैसे आप लोग अपने बाल कटवाते हो ना खूबसूरती के लिए, वैसे इनके भी बाल कटवाना जरूरी होता है। कोई मेहनत से रंग लाए, हाँ ऐसा ये दिखेगा तो बिकेगा, बात यही है सारी। ऐसे कैसे बिकेगा भाई, लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं यार नंबर नहीं देते हो, बकरे दिखा देते हो। तो मैंने इस दफा नंबर भी ले लिया, आप जिसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह नंबर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, ठंडो वाला यार जिंदाबाद। हाँ ठंडो वाला यार आए हुए हैं, पिछली दफा जब आए थे तो बड़ा बुरा हाल था यहाँ का, बारिश भी हो रही थी। क्या कह रहे हैं? बारिश भी हो रही थी। हाँ बारिश भी हो रही थी और बड़ा बुरा हाल था यहाँ का, मंडी खाली लगी पड़ी थी। लेकिन इस दफा जो है वो चहल पहल है माशाल्लाह, और बकरे भी अच्छे नजर आ रहे हैं। बस अगर ये तमीज से इज्जत से जवाब दें तो बड़ा मजा आएगा काम करने में। जायद भाई लग रहे हैं, हेलो जायद भाई के पास चलते हैं पहले, लेकिन माल है माशाल्लाह इस दफा, साथ रहने का आखिर तक, छोड़ने का नहीं है। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये अच्छा आइटम लाए हो, क्या दांतों में कितना लग रहा है? दांतों में चार है। चार है जी सर। ब्रीडर बकरा है ये? जी सर ये ब्रीडर है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह खूबसूरत है, गली गली देखो यार फाते इसकी, माशाल्लाह बेहतरीन हो रहा है माशाल्लाह। ये तो भाई ने पहनाया हुआ, अगर ये उतरा हुआ होता ना गली पूरी खिल के आ रही होती इसकी, बड़ी जबरदस्त। सर क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? सर डिमांड तो काफी मांग रहे हैं, लेकिन देने वाले लेने वाली बात ये 60,000। 60,000 वैसे तो 80 भी मांग रहे हैं, 85 मांग रहे हैं, मंडी के हिसाब किताब से। अच्छा। कोई लेने वाला कोई पूछने वाला तो सबको भाव ये बता रहे हैं। और तो आखिरी 60,000 रुपए कोई अगर भाई आता है तो खिलाड़ी। वैसे ये काम का तो उनके जो नस्ल वसल लगाना चाहते हैं बकरियों के, हाँ उनके है असल काम का। और ये वाला बकरा जो है ये अपना कल वाला खसी है कुर्बानी के लिए, हाँ जबरदस्त भाई माशाल्लाह खूबसूरत। बच्चे कहाँ गए, वो बच्चे बिक गए? सर वो सुबह सुबह आते बेचे, सुबह सुबह आते बेचे। चलो भाई जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, अल्लाह पाक ये भी बिकवा देगा मेरे भाई। थैंक यू। सलाम सर, नहीं अपने बकरे हैं ये? जी सर ये दो गुलाबी है, एक पटेरा, एक नंबर बच्चा माशाल्लाह। अच्छा। जी ये सर कितने महीने के हैं तकरीबन? ये 5-5 महीने के बच्चे। 5-5 महीने के। और डिमांड क्या हो रही है? डिमांड था इस जोड़ी 1-10 मांग रहा हूँ। ठीक है। 45। अच्छा कोई भाई लेता है तो आखिरी आखिरी क्या? आखिरी कोई लेने वाला है तो बन जाएंगे भाइयों से, बन जाएंगे। हाँ, प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ये मुस्तकिल काम है साहब मेरा, ये 12 महीने का काम है। 12 महीने का काम है। हर पीढ़ी पे दिखूंगा। अच्छा। हैदराबाद, मीरपुर, कराची, हर पीढ़ी पे हालानी, हर जगह माशाल्लाह। सर अपना नंबर भी दे दो नाम के साथ देखने वालों को। नंबर 0317-32-11-382 नाम वसाया, नाम है टंडो आदम की रिहायश है भाई, टंडो आदम की रिहायश है। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई, लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं यार नंबर नहीं देते हो, बकरे दिखा देते हो। तो मैंने इस दफा नंबर भी ले लिया, आप जिसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह नंबर लेंगे। चीज एक नंबर, एक नंबर चीज है माशाल्लाह। ठीक है भाई बहुत शुक्रिया, चेक कर रहे हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत से? सर क्या डिमांड हो रही है इनकी? ये तो कल देखे थे आपने भरे? ये मैंने कल देखे थे दोनों। ये 3 आ जाए? ये 3 आ जाए जी सर, ये 3। अच्छा, लोग 80-80 हजार मांग रहे हो? और ये क्या हो रहा है, ये कटाई हो रही है इनकी? बाल खूबसूरती के लिए भैया, जैसे आप लोग अपने बाल कटवाते हो ना खूबसूरती के लिए, वैसे इनके भी बाल कटवाना जरूरी होता है। हाँ मेहनत से रंग लाए, हाँ ऐसा ये दिखेगा तो बिकेगा, बात यही है सारी। ऐसे कैसे बिकेगा? चीजें एनिमल तो चीजें माशाल्लाह खूबसूरत बकरे, अच्छे गली वाले छोटे मुँह के।
सलाम वालेकुम। अरे भाई क्या मांग रहे हो बच्चों के? बच्चों के 85,000 मांग रहा हूँ। जोर से तो बोलो, आवाज कैसे आएगी लोगों की? 85 जोड़ी के? जोड़ी के। और लगे कितने इसके? इसके 65-70 लग रहे हैं। 65-70 लग रहे हैं जोड़ी के। दांतों में दो दो है ये दोनों? एक दो, एक खीरा है। कौन सा वाला दो है? ये दो है, ये दो है, वो खीरा, वो खीरा है। अच्छा, जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। तो अपना मुस्तकिल काम है ये या अभी सिर्फ वक्ती तौर पे कर रहे हो? नहीं नहीं, मुस्तकिल 12 महीने ये 12 महीने का ये काम। तो माल कहाँ से जमा करते हो आप लोग? इधर ही मंडियों से लेते हैं। अच्छा, मंडियों से लेते हो और मंडियों से ही बेच देते हो, ये वाला सीन है। चलो ये भी सही, अच्छी बात है। नंबर दे दो यार देखने वालों को, अपना कोई लेना चाहेगा अगर रब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा? 0305-33-031-56। नाम अपना? मेरा नाम शमशेर। शमशेर भाई नाम बड़ा खूबसूरत है, शमशेर बड़ा मर्दाना नाम है भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? बकरे अपने जी सर के लॉट का क्या हिसाब चल रहा है? अगर कोई भाई लॉट ले लेता है तो? यार लेते तो हो नहीं, बोलो हमको परेशान करते हो। कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। दो तीन साल हो गए, कोई निभागे ने फोन ही नहीं आया। अभी आएगा। कब आएगा? गारंटी से आज का वीडियो जाएगी, क्लिप आएगा, ओ क्लिप जाएगा, कॉल आएगी। चलो देख लेते हैं, पक्का इंशाल्लाह। हाँ अभी बताओ लॉट के हिसाब से क्या मांग रहे हो? 40,000 का दाना मांग रहे। 40,000 का दाना मांग रहे हो? कोई सिंगल एक अगर अदद खरीदता है एक दाना तो 35 का? तो 35 का लॉट में महंगा वैसे सस्ता? छोटे भी है ना। अच्छा यार ये समझ में नहीं आया मेरे को भाई की गाली, लेकिन चलो खैर। बेजार हैं, हमारा मत्था ही नहीं लगता है। मत्था नहीं लगता? अच्छा, जवाब नहीं दिया जाता, ये वाली कहानी है। परेशान कर रहा है लोग यूट्यूबर बने? नहीं, हमारे पास फोन ही नहीं आता यार, फोन ही नहीं आता। वीडियो बना बना के चले जाते हैं लोग, है फोन नहीं आता। अबे यार ये गलत कर दो यार, तुम लोगों की वजह से ना हम भी बदनाम हो रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं क्यों नहीं कर, क्यों नहीं है, वो गलत है जिनकी वजह से तुम परेशान हो, तो बाद में हमें भी गालियां पड़ती है। हाँ भाई यूट्यूबर लौंडो देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत सहने को मिल जाती है। भैंस के यहाँ तुम लोग आते हो और बच्चोदियाँ करते हो इनसे, बच्चोदियाँ करके चले जाते हो, फिर इनकी जो है ना हड़ी आती है या हमारी भी उतार देते हो तुम्हारे चक्कर में। नहीं किया करो यार ऐसा, ना तुम वीडियो को ऐसा शेयर करते हो, ना कॉले आती है, ना कुछ होता है, इज्जत का और कचरा हो जाता है। अभी बहरहाल मैं माल देख रहा हूँ इधर, कोई ना कोई मिल जाए कोई अच्छा आइटम। माल तो है मगर कोई खासम खास आइटम नहीं नजर आ रहा है भाई। माल तो है, माल है मगर आइटम आइटम को इतना छाटी करनी पड़ेगी। करते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। हाँ माल उतर भी रहा था, बाहर ज्यादा रश है अंदर के मुकाबले में, बाहर जो है वो रस ज्यादा है। चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बाकी तुम लोग ये सही हरकतें नहीं कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, ये तुम्हें जो है ना इसका भुगतान अदा करना पड़ जाएगा और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है, तुम सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम है रब का परवरदिगार। सर क्या मांग रहे हैं? इसके मांग रहे हम 80,000 बाबा। 80,000 और जी जी। लोग कितने लगा रहे हैं आगे? अभी लोग लगा रहे हैं 40। 40 लगा रहे हैं, आधो आध का फर्क आ रहा है। हाँ आधो आध का फर्क आ रहा है। कब से खड़े हुए आप इधर? अब घंटा हो गया हमारे, घंटा हो गया। हाँ हाँ। अच्छा तो बिका नहीं है यानी? अच्छा आप अगर छोड़ोगे आखिरी तो कितने का छोड़ दोगे? बस फाइनल करेंगे 50 का करेंगे। फाइनल 50 का करेंगे। हाँ ठीक है सर, इंशाल्लाह लगभग बिकवाएगा। बाकी बकरा अच्छा खूबसूरत आइटम है भाई। अंदर तो कोई खासम खास माल नहीं है, सड़क पर आ गया हूँ। अब देखो यहाँ क्या मिलता है, नजर तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा। ये होता है दूर की मंडी में आने का मसला। मसाला है संजय बाबा, वास्तव वास्तव लाइट। बहरहाल आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे भैया। अजी अस्सलाम वालेकुम। सर दांतों में कितना है? 6। डिमांड क्या हो रही है इसकी, क्या मांग रहे हो आप? 20। पैसे लगाए लोगों ने इसके? कुछ लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 65-70। कम लग रहे हैं, आधो हाथ का फर्क आ रहा है। हम माशाल्लाह अच्छा बकरा, बड़ा खूबसूरत जबरदस्त पटेरी बकरा है ये आंडू। और चंचल देख रहे हो कितना अच्छा। वो बकरियाँ भी अपनी हैं, उनके क्या मांग रहे हो? उसके पर लेके 20। अच्छा, इसके 85,000 लगी हुई है दोनों।
हाँ दोनों का बने, दोनों का बने। हाँ, हाँ। तो जो इन तीनों का सौदा अगर कोई करता है भाई, तीनों लेता है तो क्या हिसाब बन जाएगा? तीनों करता है तो तीनों ले जा, तीन लाख के, 3 लाख रुपए के तीनों। हाँ। अच्छा आखिरी आखिरी है ये, और भी गुंजाइश हो जाएगी, कमी पेशी होगी। अच्छा मुझे एक बात और बता दें कि आपका अपने मुस्तकिल काम है, आप 12 महीने? हाँ ये हमारा 12 महीने का कारोबार है। कोई अगर लेना चाहे, रब्ता करना चाहे, हाँ वही रब्ता कर, नंबर बता दो अपना भाइयों को। 0305-8222-970। नाम अपना? बिलावल। बिलावल भाई, बिलावल भाई का नंबर ले लिया है मैंने, वो जो हजरात जो कहते हैं ना कि नंबर नहीं देते, उनके लिए लिया। बाकी जानवर इनके पास बड़ा जबरदस्त, बकरा बड़ा फंडर है यार ये, जिससे टिक्के खड़ा नहीं हो रहा, इधर उधर इधर उधर मस्तियां करने में लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या हाल है? हाल ठीक है बाबा, हाल ठीक है, खैरियत से हो? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। कहां से हो आप? टंडोल यार के। टंडोल यार के ही हो? क्या डिमांड कर रहे हो इन बच्चों की? डिमांड इसके मांग रहे 2.5 लाख रुपया सारों के, और इन चारों को, चारों के 2.5 लाख रुपये मांग रहे हो। और लगाए लोगों ने पैसे कुछ? वो लगा रहे के 1 लाख रुपया ले लो बस। हाँ 12 नहीं आ रहा, 1 लाख नहीं आ रहा, 1 लाख में अभी, 1 लाख में हम गरीब आदमी कहाँ से करे पूरी। अच्छा हाँ, तो ये खरीदे हैं या अपने पास? मेरे अपने घर के, घर के, घर के, घर के तो मजबूर, मजबूरी है बेचने हैं। अच्छा मजदूरी तो करनी ना, बच्चों को तो खिलाने ना, रोटी बोटी इस चक्कर में बेचने के लिए। क्या अल्लाह अकबर। अब भाई काम है, ऊंच नीच तो होती है कभी ना कभी, कभी सस्ता भी बिकता है, कभी मजे भी आते हैं। अगर कभी जो कभी महंगी होते थे 4 रुपए मिल जाते, नहीं मिलते थे फिर लादमी। अभी तो बारिश हो गई है, दाना अब तो खत्म, बारिश है अल्लाह का शुक्र है, खत्म हो गई है, फसल वसूल सारे जल गए। अच्छा अभी कहाँ से पूरी करे, कहाँ से करे, लेके आए कहाँ से खाए? तो कोई ये लोग आ नहीं रहे गवर्नमेंट वगैरह के, जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही है, कैंप वैम्प लगे हैं, बड़े बड़े सारे अपना पेट भर रहे, जैसे बारिश पर ये कोई बंदा हमारे पास नहीं आया है। अच्छा तो डूबे हुए क्या है क्या नहीं है? तो टीवी पे तो दिखा रहे हैं यार, ये क्या बच्चों दिए भाई, टीवी पे तो खूब इमदाद चल रही है, फलाने कैंप वैम्प लग रहे हैं, ये भाई तो बोल रहे कोई भी नहीं आ रहा। गोट पिरुला शहरी है, नहर की बराबरी में है। अच्छा कोई अभी तक पूछने के लिए भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, कोई इमदादी कार्रवाइयां किसी किस्म की नहीं हुई, खाली रही वोट लेने में। राडा राजिया चाचा, वोट लेने में भाई, वोट दो हमारे को, हमारे को जिताओ, कहाँ से जिताए, हमारे देते नहीं है, जिताए कहाँ से? बात तो सही है, वैसे बेड़ा गरक कर दिया, आप कैसे काम करेगा आदमी, कहाँ से पूरी करे हम? अल्लाह अकबर भाई, पहले भी ये दरख्वास्त में कर चुका हूँ, ठीक है साहब, इंशाल्लाह अल्लाह पाक भिगवाएगा। कोई मत तो टंडवाला यार का सीन ये है इस वक्त मेरा भाई, माल नहीं है मंडी के अंदर, पूरा सूरा माल है और तकरीबन सारा कट्टू माल है, ज्यादातर लोग माल वो है जो लोग माल बेचने के लिए आए हुए, अपनी दाल रोटी करने के लिए आए हुए। अच्छा इसमें कुछ अच्छा माल भी आया हुआ है जो मैंने दिखाया आप लोगों को, तो वो माल का रेट फिर वैसा ही है, अक्सरियत माल की मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी आखिरी में आप लोगों ने देखा होगा, एक भाई मिले मुझे जिन्होंने मुझे एक रिदास सुनाई अपनी, यार मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, मैं अब दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, हालांकि मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से, लेकिन बात मेरा भाई ये है कि पहले हम मंडियों के अंदर विजिट कर रहे थे तो बीच में हमारे को कुछ लोगों ने बोला कि यार हमारी तरफ इमदाद नहीं हो रही है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, बीच में काफ़ी मंडियों में हमने यही सुना कि लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ इमदाद नहीं हो रही है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई, तो यार ये बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर ये इमदाद के नाम पर जो माल लिया जा रहा है, ये साला जा कर रहा है मेरा भाई, फिर लोग हमें बोलते हैं कि तुम बगैर सोचे समझे बात करते हो, फिर या तो ये मुझे झूठ बोल रहा है या तो मैं आपको चूतिया बना रहा हूँ माजरत के साथ। अब हड़ी आती है भाई यहाँ पे आगे बात है, हम कुछ जब बात कर रहे होते हैं ना तो पब्लिक के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लोग जो हमें बताते हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम कोई अपनी तरफ से, हमें शौक नहीं है मंजन पेलने का भाई, ये वाला हमारा काम नहीं है, मैंने आपको बोला मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई बात कर रहे हैं क्या करें, लोग हमारे को बात बोलते हैं कि यार ये मसला है फलाना है ढिमाकड़ा है, और ये मामला तो है कोई नहीं आ रहा हमारे पास, तो भाई एहतियात करें, मेहरबानी करें, हकीकत बताएं लोगों को कि चक्कर क्या है, माल जा कहाँ रहा है, इतना जो इमदाद के नाम के ऊपर माल लूटा जा रहा है जा किधर रहा है भाई, किसको दे रहे हो? 4 बंदे जहाँ बैठे होते हैं वहाँ गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो फिर बंदे आते हैं इधर उधर से उनके पास कोई पूछने वाला नहीं होता। बहरहाल कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।